तो गाइस मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बहुत ही सुंदर स्टेशन जो कि ये है संसारपुर स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा हरियालियों से लैस हुआ है ये स्टेशन, इसलिए इसका नाम संसारपुर स्टेशन पड़ा। ये संसार का सबसे अच्छा स्टेशन है, इसीलिए इसका संसारपुर स्टेशन नाम पड़ा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा मूड बना स्टेशन में आने का और यहाँ से मेरे को सफ़र करने का। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इस सफ़र को नर्मदा एक्सप्रेस से। यह नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर से लेकर बिलासपुर तक चलती है, जो कि 1006 किलोमीटर टोटल यात्रा तय करती है। इस ट्रेन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सी। यह ट्रेन अच्छी तो है, लेकिन सोच समझ पर इसे चढ़िएगा, इसमें यात्रा कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती है। जैसे आज का स्टेटस मैं बताऊं तो ये 1 घंटा देरी से चल रही है और अभी आने वाली है, अलाउंस हो गया है। और इसके बारे में मैं और भी जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें 4 जर्नल हैं जो कि आगे पीछे हैं, 2 आगे 2 पीछे हैं, 2 SLR बोलना चाहता था, 2 SLR हैं जो कि 1 आगे है 1 पीछे है। बाकी AC, थर्ड AC, स्लीपर बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें बहुत से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं, ज़्यादातर स्लीपर हैं इसमें। स्लीपर जो है तो इसकी टिकट जो है तो नॉर्मल मिलती है, ना तो ज़्यादा हाई रहती है ना तो ज़्यादा लो रहती है, मेरा मतलब ना तो ज़्यादा महंगी होती है ना ही ज़्यादा सस्ती होती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं। तो आज मैं इसमें से जर्नी करने वाला हूँ कटनी साउथ तक, क्योंकि यह ट्रेन कटनी साउथ उमरिया चंदिया उमरिया से होती हुई बिलासपुर चली जाती है, और मेरे को जाना है जबलपुर, जो कि मैं कटनी जंक्शन से एक इंटरसिटी ट्रेन पकड़ूंगा और वहां से जबलपुर जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो को देखिए, और इस ट्रेन में यदि आप सफ़र करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, और कैसा रहा उस सफ़र का जर्नी और कैसी रही ट्रेन मेरे को उसमें बताइएगा। तो जय हिंद गाइस।